नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। निर्भया केस, एक ऐसा केस जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। हर भारतीय क्या, जिसने भी इस घिनौने कांड को सुना उसकी रूह कांप उठी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए इस कांड ने हर भारतीय को अपने घर से निकलने और रेप गैंग रेप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने को मजबूर कर दिया। इस कांड को हुए अब करीब 7 साल बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले दोषी दरिंदे आज भी सलाखों के पीछे बैठे सांसें ले रहे हैं, लेकिन बस अब ज्यादा दिन नहीं, अब सिर्फ 7 दिन और फिर मिल जाएगा निर्भया को इंसाफ। मिल जाएगा हर उस शख्स को इंसाफ जो किसी भी तरह इस वारदात से जुड़ा है, जिसने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी दोस्त के साथ हुई इस वारदात की असहनीय पीड़ा को सहा है। 28 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के एक दिन बाद ही तिहाड़ जेल और मंडोली जेल में बंद चारों मुजरिमों को संबंधित जेल के अधीक्षकों की तरफ से फांसी पर लटकाए जाने का नोटिस थमा दिया गया है। चेतावनी दे दी गई है कि निर्भया कांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सजाए मौत कभी भी अमल में लाई जा सकती है। अगर मुजरिमों ने 7 दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका दाखिल नहीं की, यानी कि अगर अगले 7 दिन के अंदर राष्ट्रपति के पास भी मुजरिम इस अनुरोध के साथ याचिका दाखिल करते हैं कि उनकी सजाए मौत को घटाकर उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, तो बस यही एक विकल्प है जिसे मुजरिम अमल में ला सकते हैं। अब कोई दूसरा विकल्प उनके पास शेष नहीं रह गया है। लेकिन क्योंकि अभी तक मुजरिमों की तरफ से ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई है, तो संबंधित कोर्ट के अधिकारियों को फांसी की सजा से पहले मुजरिमों को नोटिस देकर आगाह करना होता है, जो कि उनकी तरफ से दिवाली के एक दिन बाद कर दिया गया है। और अचानक मिले इस नोटिस के बाद से तिहाड़ जेल में, जहां पर 4 में से 3 मुजरिम और मंडोली जेल में भी, जिसके जेल नंबर 14 में एक मुजरिम है, चारों की रात की नींद उड़ गई है। चारों में बेचैनी इस बात को लेकर है कि अब सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है, उसके बाद तो उन्हें फांसी के फंदे पर लटका ही दिया जाएगा। कानूनी जानकारों का कहना है कि चारों मुजरिमों ने अगर तय समय यानी कि 7 दिन के अंदर महामहिम के यहाँ अगर दया याचिका दाखिल नहीं की, तो अगले कदम के रूप में जेल प्रशासन ये तथ्य ट्रायल कोर्ट के पटल पर रख देगा। उसके बाद कोर्ट कानूनन कभी भी मुजरिमों को डेथ वारंट जारी कर सकता है, और उसका मतलब ही होता है कि मुजरिमों का फांसी के फंदे पर लटकना तय है, फिर उसे कोई नहीं बदल सकता। बता दें कि पिछले साल 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के 3 दोषियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। 4 में से 3 दोषियों की सजाए मौत की सजा को बरकरार रखा था, जिनमें से चौथे दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। अब इंतजार है तो बस चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका देखने का, तब कहीं जाकर निर्भया को इंसाफ मिलेगा, निर्भया के माता पिता को न्याय मिलेगा, जो पिछले 7 साल से बेटी को इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि चारों मुजरिमों में से किस में इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद भी जीने की इच्छा जिंदा है कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करता है, क्योंकि अब तो बस यही एक विकल्प शेष रह गया है।